हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहारों की बहार है, होली आने वाली है, इसलिए आज हम आपको मठरी बनाना सिखाते हैं। मठरी बनाना बहुत इजी है, आप घर में डिज़ाइनदार मठरी कैसे बनाएं चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हमने ली है यहाँ पे एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी सूजी, रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी पान मेथी, पान मेथी को कस्तूरी मेथी भी बोलते हैं, सूखी हुई हरी मेथी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हींग। हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें मैदा डाल लेंगे। हमने आधा कटोरी सूजी ली है, वो इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे इसमें, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल देंगे, पान मेथी डाल देंगे। इसको आप इस तरह से मसल लीजिए और फिर इसको डाल दीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हम हींग भी डालेंगे इसमें। देखिए, बारीक पिसी हुई हींग मैंने इसमें डाल दी है। अब हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसको मोवन के लिए डाल लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें मोवन डाल लेंगे। मोवन हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया है। हमें इस तरह से इसको हाथ में लेकर के देखना है, इसी हिसाब से हमें मोवन डालना है ताकि ये लड्डू बन जाए। अब हम इसको नॉर्मल पानी से लगा लेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ नहीं डालें। देखिए फ्रेंड्स, हमने मैदा अच्छे से लगा लिया है, हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से हमें इसको लगाना है। अच्छे से लग गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे चिकनाई के लिए। अब हम इसमें से थोड़ा इस तरह से मैदा ले लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, और इसकी लोई बना लेंगे। देखिए, मैंने इसकी लोई बना ली है, अब हम इसको बेलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम पतली रोटी की तरह इसको बेल लिया है। अब हम इसको पतला पतला कट कर लेंगे, हम चाकू की सहायता से इसको पतला पतला कट कर लेंगे, पर साइड के किनारे ख़राब हो रहे हैं तो हम इस पोर्शन को निकाल देंगे। ये पार्ट हमने अलग कर दिया है, अब इसमें से पतली पतली इस तरह से देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे इसको पतला पतला कट कर लिया है। अब इसमें से हम दो दो लाइन इस तरह से एक साथ लेंगे, कॉर्नर्स को पकड़ लेंगे और इसको कुछ इस तरह से जैसे रस्सी में बल होता है उस तरीके से इसमें हम बल देंगे। ये देखिए, मैंने बल दे दिया है, इसको फिंगर पे हम इस तरह से लपेटेंगे और इस पोर्शन को हम यहाँ बीच में दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक बार रिपीट करते हैं। ये मैंने दो इसकी लाइनें उठाई हैं, मैंने इनको रस्सी की तरह फोल्ड कर लिया है, इसे बल दे दिया है इनमें। अब इसको हम फिंगर पे गोल 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 लपेटेंगे और लास्ट वाले पार्ट को बीच में दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इन सबको बना लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बना ली हैं और तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जो भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ में लेते हैं वो आप कढ़ाई में गरम होने रख सकते हैं। तेल भी गरम हो चुका है, अब हम इनको एक-एक करके इसमें छोड़ देंगे। अभी हमारे गैस का फ्लेम हाई है, अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, तेज नहीं करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। देखिए फ्रेंड्स, मठरी सिक गई हैं, अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है इनका। अब हम कुछ सेकंड के लिए फ्लेम को तेज कर लेंगे, हाई फ्लेम पे कर लेंगे गैस को, और फिर मठरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। मटरी बिल्कुल रेडी हैं, हमने कढ़ाई से बाहर निकाल ली हैं। तो फ्रेंड्स, डिजाइनर मसालेदार मटरी तैयार हैं। आप ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।